बच्चों के साथ इंगेज होना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपका होस्ट सोहन, आज फिर से हाउ टू टॉक विद चिल्ड्रन बुक की समरी के सफ़र पर फिर आपको लेके जा रहा हूँ। और आज का विषय है बच्चों के साथ इंगेज होना ज़रूरी है। अगर आप हमेशा यह सवाल करते हैं कि अपने बच्चे को कैसे समझा जा सकता है, तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि अगर आप अपने बच्चे को पूरी तरह से समझना चाहते हैं, तो आपको भी कुछ समय के लिए बच्चा बनना पड़ेगा, क्योंकि तब तक आप उसके तरीके से उसकी फीलिंग नहीं समझ पाएंगे जब तक आप उसकी जगह होकर महसूस नहीं करेंगे। मान लीजिए कि आप हर बात के लिए अपने बच्चे को क्लेम करते हैं या ब्लेम करते हैं, वो छोटी सी भी गलती करता है तो आप उस पर चिल्ला देते हैं। जैसे आपका बच्चा घर आने के बाद घर का दरवाज़ा बंद नहीं करता तो आप उस पर चिल्लाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि तुम बहुत लापरवाह हो, तुम हमेशा इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। अगर आप अपने बच्चे के से इस तरह बात करोगे, आपका बच्चा आपसे सीखने के बजाय आपसे और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और वही गलती बार बार करने लगेगा। जाहिर सी बात है, आप भी कभी ऐसा नहीं चाहोगे कि आपके ऊपर भी कोई चिल्लाए। जब आप बच्चे थे, आप उस वक्त कैसा महसूस करते थे जब कोई आपके ऊपर गुस्सा होता था या आपको किसी बात के लिए ब्लेम करता था? जानते हैं, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा। ठीक इसी तरह आपको अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है। जब भी आप उन्हें ब्लेम करें या किसी चीज़ के लिए उन्हें डांटें, एक बार उसका अल्टरनेट ज़रूर सोचें। क्या उन्हें बिना डांटे या बिना गुस्सा किए उन्हें समझाया जा सकता है? अगर आप ऐसा सोचने लगोगे तो आप बच्चे के समय अच्छा कनेक्शन बना पाओगे। ऑथर अपने दूसरे चैप्टर में कई बार इस बात का जिक्र किया है जो ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करते हैं। अगर आपका बच्चा बार बार कोई इरिटेटिंग काम कर रहा है तो आप उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें ज़ोर से चाटा लगा दूंगा, या कल सुबह जल्दी नहीं उठे तो देखना मैं क्या करता हूँ, अगर तुम जल्दी तैयार नहीं हुए तो मैं यहीं छोड़कर चला जाऊँगा। हम जानते हैं आप में से ज़्यादातर पेरेंट्स इसी तरह की बात करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इस तरह से अपने बच्चे से बात करेंगे, उन्हें बात बात पर डरा कर रखेंगे, उनके मन में एक डर बैठ जाएगा और इसी वजह से कोई भी काम ठीक ढंग से वह नहीं कर पाएंगे। वो कुछ भी काम करेंगे तो उन्हें यह डर लगा रहेगा कि उनके पेरेंट्स उनसे ठीक से बात नहीं करेंगे या उसके पेरेंट्स उस पर गुस्सा करेंगे। ऐसे में इस तरह का सवाल आता है कि हमारे बच्चे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे तो उसे किस तरह से उन्हें हम समझा सकते हैं। ऑथर ने कहा है कि अगर आपका बच्चा कोई गलत काम कर रहा है, मान लीजिए वो बहुत देर से फर्श पर पानी फेंक रहा है, तो आपको उसको डांटने के बजाय इस बात की इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि पानी फेंकने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे आप उन्हें कह सकते हैं कि तुम बहुत देर से पानी फेंक रहे हो, मुझे लगता है इसे लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है या पानी जल्द ख़त्म हो सकता है, या कोई बाहर से कोई व्यक्ति आए तो हमारे फर्श पर वो फिसल कर गिर सकता है जिससे उसको चोट लग सकती है। दरअसल इससे आपका बच्चा समझेगा कि वह जो कर रहा है उसे नुकसान हो सकता है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने बच्चे को रोकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही फर्श पर पानी फेंकना बंद कर देगा। अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो फिर उसे दूसरे रीज़न देकर समझा सकते हो। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नहाने के बाद अपना टॉवल बेड पर ही फेंक देते हैं। हम जानते हैं आपका बच्चा भी ज़रूर ऐसा ही करता होगा, लेकिन यह बात बहुत ज़रूरी है, जब आपका बच्चा ऐसे करता है तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या रहता है? तो आप ज़्यादातर पेरेंट्स उस बच्चे को डांट देते होंगे जब आप उस वक्त बच्चे को इस प्रॉब्लम के बारे में बता देंगे कि इस वजह से आप उन्हें डांट रहे हैं। हो सकता है वह अपनी आदतों को खुद ही बदलना शुरू कर दे। आप अपने बच्चे को कह सकते हैं कि आपका टॉवल काफ़ी गीला है, इसकी वजह से तुम्हारा ब्लैंकेट भी भीग सकता है, ब्लैंकेट की वजह से तुम ठीक से सो भी नहीं पाओगे, लाओ मुझे टॉवल दे दो, मैं इसे सुखा देता हूँ। जब आप इस तरह से बिना कोई एडवाइजरी दिए अपने बच्चे को कहोगे तो आपके बच्चे काफ़ी हद तक आपकी बात को समझेंगे और उस प्रॉब्लम के बारे में भी जान जाएंगे। ऑथर ने इस चैप्टर में कुछ ऐसे ही सवालों का जिक्र किया है अक्सर पेरेंट्स के दिमाग में चलते रहते हैं। उनमें से एक सवाल यह भी है, अक्सर हम अपने बच्चों को कोई काम कहते हैं तो वह कह देते हैं कि मैं थोड़ी देर में करता हूँ, लेकिन वो उस काम को थोड़ी ही देर में भूल जाते हैं और कभी भी उस काम को नहीं करते। ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? ऑथर ने इसका आंसर देते हुए कहा है, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हालांकि वो मना भी नहीं करते, लेकिन हमारे द्वारा दिए हुए काम को जल्दी भूल जाते हैं। तो ऐसे में हमारा बच्चा कहता है कि हाँ, मैं इस काम को थोड़ी देर बाद कर दूंगा,
हमें उनसे यह सवाल करना है कि हाँ तो तुम यह काम कितनी देर में कर दोगे, और वह बच्चा जवाब देगा कि हाँ मैं 1 घंटे या 2 घंटे में कर दूंगा। उसके बाद आप कहोगे ठीक है मुझे पता है, पता लग गया कि तुम 2 घंटे में यह काम ज़रूर कर दोगे, और जब यह काम पूरा हो जाओ तो मुझे इसकी जानकारी दे देना। जब आप अपने बच्चे को यह सवाल करोगे कि तुम कितनी देर में यह काम करने वाले हो, तो वह कभी भी यह नहीं भूलेगा कि आपने उसे कोई काम कहा था या काम करने के लिए बोला था, और वो अपने बताए गए टाइम पर काम भी पूरा कर लेगा। एक सवाल का जिक्र करते हुए ऑथर कहती है कि कई बार पेरेंट्स को लगता है कि वो एक बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप खाना खाने के लिए आप बच्चे को बुला रहे हैं और उसे कहते हैं कि आकर खाना खा लो, और आपका बच्चा कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद दोबारा फिर यही बात रिपीट करते कि आकर खाना खा लो, लेकिन जब आपको अपने बच्चे की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता तो आप लगातार इस बात को बार बार रिपीट करते होगे। इसके सॉल्यूशन के लिए ऑथर ने बताया है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है। जब भी आप अपने बच्चे को कुछ करने के लिए कहें या खाना खाने के लिए बुलाएं और वो जवाब ना दे, तो आपको दूसरी दफ़ा आपको कहना है कि क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा। तो अगर आप इस तरह से आपको सवाल करेंगे तो आपका जवाब ज़रूर देगा, हाँ वो कहेगा कि आपने मुझे खाना खाने के लिए बुलाया है। ऐसा करने के बाद आपको अपनी बात बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ़ एक बार में ही अपने बच्चे को बुला सकते हैं, और वो जब जवाब ना दे तो दूसरी तरफ से यह सवाल करना शुरू कर दें। ऑथर ने आगे एक ऐसे ही पेरेंट्स द्वारा पूछे गए एक सवाल का जिक्र किया है, जिसमें पेरेंट्स को अपने बच्चे से शिकायत रहती है कि वो हमारे कहने के बाद भी हमारी बात क्यों नहीं सुनते। हालांकि ऐसा हर वक्त नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि वो सुनकर भी अनसुना कर रही हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। जब आप अपने बच्चे को कोई काम बता रहे हैं और वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। दरअसल ऑथर इस सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि जब यही सवाल स्कूल में हमने बच्चों से किया गया तो वो ऐसा क्यों करते हैं, तो उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट का जवाब यही था कि मैं स्कूल से आकर घर लेटता हूँ तो सच में काफ़ी थका हुआ महसूस करता हूँ, और मेरी मोम मुझसे कोई ना कोई काम करने के लिए कहती है, मैं उसे सुनकर भी अनसुना कर देता हूँ। कहीं का तो ये भी कहना था कि जब हम गेम खेल रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं, उसी वक्त हमारे पेरेंट्स हमें कोई काम दे देते हैं, इसी वजह से भी हम उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। और ऐसे में सवाल आता है कि ऐसे में पेरेंट्स क्या डील कर सकते हैं। दरअसल ऑथर कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को हमेशा अपने पास एक च्वाइस दे देनी चाहिए। अगर वह स्कूल से तुरंत आकर बैठा है तो आप उन्हें ऑर्डर देने की बजाय आप उनसे पूछ सकते हैं कि तुम कब तक नहा लोगे, उसके बाद हम लंच कर लेते हैं। जब आप अपने बच्चों को ऐसे सवाल पूछेंगे तो आपकी बातों को अनसुना नहीं करेगा। दिक्कत यहाँ आती है जब पेरेंट्स अपने बच्चे को सीधा ऑर्डर देने लगते हैं। हाँ तो चलिए बढ़ते हैं अगले एपिसोड की तरफ, जहाँ हम जानेंगे कि बच्चों को कैसी पनिशमेंट देना चाहिए जो इफ़ेक्टिव हो। तब तक दोस्तों धन्यवाद, जय श्री राम, और मैं विदा लेता हूँ अगले एपिसोड तक आपसे।